हेलो गाइस, तो हम अभी इंदौर रोड स्थित आए हैं नवल किशोर भैया की दुकान पे, जिसमें आप आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं ट्रैक्टर और जेसीबी के बारे में। आपका नाम? नवल किशोर भाई। नवल किशोर, मैं आपसे जानकारी लेने आया था जेसीबी के, उसमें सर जी जेसीबी के बारे में जानना था हमको डिटेल के साथ में, कि हमको गाइस लोगों को बताना था। अच्छा। कि जेसीबी की सर्विसिंग में कितना पैसा क्या लगता है। हाँ। डिटेल लेना था उसके सर्विसिंग के बारे में, कितना ऑयल लगता है क्या है। हाँ। सर इसमें इंजन ऑयल कितना लगता है? सर इंजन ऑयल इसमें 20 लीटर लगता है 3DX में। अच्छा। और ट्रांसमिशन ऑयल? ट्रांसमिशन लगता है इसमें 15 लीटर। 15 लीटर। और इससे अदर कुछ जानकारी सर उसके अंदर? सर उसमें ये है कि अपन को जो भी है ब्रेक आयल वगैरह चेक करना है टाइम टाइम से बिल्कुल जी। जो भी नीचे के फाउंडेशन के बोल्ट हैं, अपने रिम सिलेंडर वगैरह जो हैं, पाइप वगैरह डेली अपन को चेक करना है जी सर। और जो पाइप वगैरह जो रहते हैं, अपन जो ग्रीस करते हैं तो जो पाइप के ऊपर जो ग्रीस गिरता है तो मतलब वो गिरने ना दिया जाए। अच्छा। क्योंकि ग्रीस जब पाइप के ऊपर गिरता है तो वो क्या नरम पड़े आते हैं, तो वहाँ से अपने बार बार पाइप लीकेज होते हैं जी सर। तो कम से कम गाड़ी ने लीकेज कम होने चाहिए, समय समय पे अपनी सर्विसिंग करवाई जाए जी सर, समय समय पे देख रेख किया जाए। तो सर ये कितने घंटे में होती सर्विसिंग इसकी? सर ये अपनी इंजन की तो समझ लो 400 घंटे समझ लो आप जी सर, 400 घंटे पे सर्विसिंग होती है और कंटिन्यू चलती है तो जी है ना, 400 घंटे पे सर्विस कर देनी चाहिए। और ये अपने हाइड्रोलिक की सर्विसिंग? हाइड्रोलिक में तो अदरवाइज कम ज़्यादा होते ही रहता है जी, कहीं की पाइप फट गई है कहीं फट गई है, तो ये तो कम ज़्यादा होता रहता, तो उसमें अपन गेज पूरा करते रहते हैं। अच्छा। ना एक ऑल सर्विस में सब हो जाता है? हाँ ऑल सर्विस में ये सब आ जाता है। लगभग कितना खर्चा आता होगा सर इसमें? आपको कंपनी तो कोई कंपनी कोई ऑयल बनाती नहीं है जी सर, जी है ना, ये कोई भी ऑयल कोई भी कंपनी बनाती नहीं है। ऐसे जेसीबी है तो जेसीबी खुद का मैन्युफैक्चर तो है नहीं है जी सर, भाई आयल जो ग्रेड रहता है तो वो मैन्युफैक्चर करवाती है अपने नाम से जी, है ना, दूसरे से लेके अपना नाम से वो चलाती है, कोई भी कंपनी हो जैसे किसी का भी नाम हो, आयल तो एक ही कंपनी बनाती है, बाकी वो अलग अलग ग्रेड का वो नाम देता है जी सर, है ना। कोई कंपनी तो कोई बनाती नहीं आयल, कोई भी कंपनी है तो वो आयल नहीं बनाती है। अच्छा। अरेंजमेंट कैसे भी करती है, अपना मैन्युफैक्चर अपना नाम उसको देती है। और इससे रिलेटेड में जेसीबी से और कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो गाइस को दिया जाए जिससे उनका फ़ायदा हो? तो जो भी अपना ऑपरेटर वगैरह है, अपना हेल्पर वगैरह है। अच्छा ऑपरेटर। तो सुबह सबसे प्रथम गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इंजन ऑयल ट्रांसमिशन ऑयल और सारी चीज़ों को देख रेख करना अनिवार्य है ना, पिछले पहिए का ऑयल वगैरह ये भी है सब, ट्रांसमिशन का ऑयल है, मतलब ये चेक करना अनिवार्य है। मतलब सुबह सबसे प्रथम गाड़ी बंद रहती है, सुबह उठो ऑपरेटर से बोलो कि आप बिल्कुल समय समय पर आयल इसका चेक करने चाहिए जी, है ना, 15W40। हाँ। मल्टीग्रेड 4 जी, ये तो बाजार में भी अपन को सस्ता मिल जाता है जी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, मल्टीग्रेड 4 वो भी है और मल्टीग्रेड 4 ये भी है जी, तो इसमें डाल सकते कोई दिक्कत नहीं है अपन को, मतलब इसके अलावा कोई अदर ऑयल भी डाल सकते हैं। हाँ अदरवाइज दूसरा ऑयल भी अगर अपन को मल्टीग्रेड 4 अपन डाल रहे हैं ये CF4 कंपनी दे रही है, तो CF4 अपन दूसरी कंपनी का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें और लोकल में क्या अंतर रहेगा? मतलब नहीं लोकल में नहीं रहेगा, अपन कंपनी के ब्रांड डाल रहे हैं ना। अच्छा कंपनी के ब्रांड? हाँ कंपनी के ब्रांड डाल रहे हैं, अपन को तो मल्टीग्रेड से मतलब है। अच्छा ऑयल ग्रेड चलता है जी, लोकल ऑयल डालेंगे? नहीं लोकल ऑयल डालेंगे तो वो तो समस्या खड़ी करेगा ना, गाड़ी गर्म होना। अच्छा। भाई बहुत सी चीज़ें हैं, क्रेन का घिसाव ज़्यादा होना ये होता है। और इसके अंदर आप क्या क्या काम करते हैं? मैंने टायर रखा हुआ देखा आपके वहाँ, ये ट्रैक्टर का टायर है सर? किर्लोस्कर ट्रैक्टर का काम है जी, मतलब ट्रैक्टरों में सभी कंपनियों का अपन काम करते हैं, ट्रैक्टर का डिपार्टमेंट ज़्यादा अपने करना है, ट्रैक्टर का काम ज़्यादा है। इसमें कौन सा मॉडल आते हैं मतलब ट्रैक्टरों में? अलग सभी 75 हॉर्स पावर है, 100 हॉर्स पावर 150 हॉर्स पावर तक भी उसमें है जी। हाँ 75 से, हाँ 20 हॉर्स पावर से लेके तो 75 हॉर्स पावर तक भी ट्रैक्टर रहते हैं जी। हाँ 50-75 ये रहते हैं, है ना जी। सर आपका नाम? सर बल्लू। अच्छा आप क्या काम करते हैं? मैं भी उस्ताद के साथ ही हूँ। अच्छा उस्ताद के साथ में? अच्छा उस्ताद आपके जी जी सर। हाँ तो सर मैं आपसे पूछ रहा था ये आपके दुकान का क्या नाम है, किस नाम से है फर्म आपकी? अपनी दुकान तो अपनी फर्म में नाम से है। अच्छा नवल किशोर के नाम? नवल किशोर के नाम से आपकी फर्म जी, जी सर। नवल हाई के नाम। किस एरिया में आपकी मतलब? ये अपने आशीर्वाद होटल से थोड़ी सी आगे है, सोसाइटी वाली दुकान है, उसमें 26 नंबर दुकान अपनी है।
अच्छा 26 नंबर आपकी दुकान जी, जैसा कि खंडवा के अंदर है ना? हाँ, खंडवा के अंदर, इंदौर रोड पे है, मेन रोड पे ही है मतलब, है ना दोस्तों। तो अपने नवल भैया की दुकान आशीर्वाद होटल के थोड़ी सी आगे इंदौर रोड पर है। आसपास के गांव वाले, खंडवा के जो भी आसपास गांव लगते हैं, वो ट्रैक्टर वैक्टर वगैरह काम कराना चाहते हो, या सर्विसिंग की सेट जेसीबी की सर्विसिंग करवाना चाहते हो, नवल भाई से संपर्क कर सकते हैं और उचित दाम में यहाँ काम किया जाता है। थैंक यू गाइस।